हाय फ्रेंड्स, सॉरी फॉर दिस, कपड़े गंदे हैं क्योंकि आज हमारे यहाँ कनक की कटाई का काम चल रहा है। आपको पहले वहाँ ले चलते हैं, दिखाते हैं कि कैसे। वैसे टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ गई है, हर चीज़ में टेक्नोलॉजी है, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आज का वीडियो है माय फ्रेंड, वो है डॉग मेटिंग के ऊपर। क्या क्या सावधानी है, कब क्या, समर टाइम में क्या डिफरेंस होता है, कैसे प्रोसेस होता है, ये पूरा वीडियो उसके ऊपर। तो पहले आपको छोटा सा विजिट करवाते खेतों का, फिर उसके बाद बैक टू द टॉपिक। चलो कुछ दिन पहले एक मेटिंग का वीडियो डाला था रॉटवाइलर का, लेकिन फिर भी बहुत सारे मेरे फ्रेंड हैं बार बार ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि मेरे को ये बात नहीं समझ आई, वो बात नहीं समझ आई। एक तो माय फ्रेंड देखो, सबसे पहला पॉइंट ये था, क्वेश्चन था कि हीट मेटिंग कब करवानी चाहिए, पहली हीट मिस करवानी चाहिए, ये ज़रूरी होता है? हाँ बिल्कुल ज़रूरी होता है। अगर डॉग की पहली हीट लगभग एक साल से पहले आ जाए, अगर उसकी पहली हीट ही 12, 15, 18 महीनों में आई है, तो आप ना भी मीटिंग मिस करवाइए, मीटिंग करवा भी सकते हो, वो हीट मिस करवाने की ज़रूरत नहीं है। आई रिपीट अगेन, हीट मिस कराने की ज़रूरत नहीं है अगर वो डॉग आपका अडल्ट कैटेगरी में है। दूसरा पॉइंट, कितने दिन के बाद मीटिंग करवानी चाहिए? 8 से 10 दिन तक डॉग की ब्रीडिंग होती है, आप वो ब्लीडिंग के बाद मीटिंग करवा सकते हो। अगर आपके नियरेस्ट कोई अच्छे वेट हैं, गवर्नमेंट बड़ा हॉस्पिटल है, वहाँ पर आप डॉग की स्लाइड बनवा सकते हो, वहाँ पर फिर एग्जैक्ट डे मालूम पड़ जाता है, वो सबसे बेस्ट होता है। तीसरी बात कि जब हम मीटिंग करवाते हैं, क्या ज़रूरी है डॉग का नॉट लगना? बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। बहुत लेटेस्ट टेक्नोलॉजी भी आ गई है, वो भी आप यूज़ कर सकते हो। मेल का मोस्टली क्या होता है, डिस्चार्ज अंदर होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो नॉट लगना इम्पॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद पॉइंट कि सर मीटिंग करवाने के कुछ दिन के बाद या मीटिंग करवाने के बाद मेरी फीमेल को थोड़ा थोड़ा ब्लड आ रहा है, तो भी मैं क्या करूँ? ये क्वाइट नॉर्मल होता है, मीटिंग के 2, 4, 5 दिन क्या, हफ्ता 10 दिन तक भी थोड़ा बहुत ब्लड बाई बूंद में ड्रॉप चलता रहता है, कोई पैनिक वाली बात नहीं होती। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि फीमेल ने मीटिंग के तुरंत बाद यूरिन पास आउट कर दिया या ऐसा कुछ हो गया, वो भी ज़्यादातर टेंशन लेने वाली बात नहीं है। मेल का अगर डिस्चार्ज बैटर सही हुआ है, अगर वो स्पर्म कह लो कि एग तक पहुंच गया है, तो नथिंग टू पैनिक। बाकी रही बात मीटिंग दो बारी करवानी चाहिए, क्योंकि एक बहुत अजीब सा क्वेश्चन आया कि किसी ने मेरे पूछा कि सर अगर एक बार मीटिंग कराने से क्या एक बच्चा होता है, फिर दो बार कराने दोस्तों, इस जगह उसने 7 बार मीटिंग करवा दी अपनी फीमेल की, ये बहुत डेंजर है। वो प्राइवेट पार्ट फीमेल का बहुत सेंसिटिव होता है माय फ्रेंड, और बहुत केयरफुल है, वो इन्फेक्शन भी हो सकता है। और एक सबसे बड़ी बात, बार बार लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि मीटिंग के करवाने को मेल फीमेल को खुला छोड़ देना चाहिए, किसी कमरे में बंद कर देना चाहिए किसी ग्राउंड, ये गलत होता है। मेल फीमेल उस समय फाइट कर सकते हैं, और फाइट इतनी डेडली हो सकती है कि दोनों को मीटिंग, मुझे नहीं मालूम होगी कि नहीं होगी, कहीं दोनों को हॉस्पिटल ना तभी लेकर जाना पड़े, तो लेने के देने ना पड़ जाए। तो आप जब भी मीटिंग करवाओ, आप प्रेजेंट वहाँ हो, प्रोफेशनल हैंडलर, डॉग हैंडलर, डॉग ट्रेनर से हेल्प लीजिए या साथ में आप होइए, अगर आपको ये सब चीज़ें मालूम होती हैं। ब्रीडर 90% हर एक ब्रीडर, जब फीमेल की डिलीवरी होती है या फिर फीमेल की मीटिंग होती है, ब्रीडर वहाँ अवेलेबल होते हैं
फॉर गुड और बैड टाइम, सपोर्ट के लिए, राइट। बाकी रही बात कि फीमेल को कितने दिन, हाँ मोस्टली क्या होता है कि अभी गर्मियों का समय है, मीटिंग जहाँ तो अर्ली मॉर्निंग करवाइए समर में टाइम मोस्टली, या फिर मीटिंग करवाइए लेट इवनिंग अंधेरा जब ठंडा वेदर हो, राइट। बाकी रही बात, डॉग को पहले 25-30 दिन जितना हो सके ठंडी तासीर का खाना दीजिए। डॉग को आप कभी भी माई फ्रेंड गर्म तासीर चिकन वगैरह ये उबला हुआ अंडा ये सब बंद कर दो पहले 30-35 दिन, राइट। फीड देनी है तो बहुत ही कम फैट कम प्रोटीन वाली, इसको हम कह लो कि ठंडी तासीर की फीड, लाइट फीड वो दे सकते हो आप, जो भी आप वर्ड यूज़ करो। उसके बाद क्या है, मोस्टली 60 डेज 58 डेज 62 डेज यहाँ पर डिलीवरी होती है। अगर इनसे थोड़ा समय ज़्यादा होता है तो भी आपको डॉक्टर साहब के पास जाना चाहिए, उनके टच में रहना चाहिए। अगर डिलीवरी 1 वीक पहले हो जाती है, 5 दिन पहले हो जाती है तो भी सेंसिटिव केस होता है तो भी आप स्ट्रेट डॉक्टर साहब के पास जाइए, उनकी देख रेख में जो भी वैक्सीनेशन टेक केयर करनी है बच्चों की वो कीजिए। बर्थ के समय बहुत सारे बच्चे देखो, मैं एक फीमेल के मगर मैंने 5 या 7 बच्चे दिए हैं, ज़रूरी नहीं है सभी एक जैसे हेल्थी हों, उनमें से कुछ मोटे होंगे कुछ पतले होंगे, बहुत सारे कुछ बच्चे एक्टिव होंगे कुछ नॉन एक्टिव होंगे, तो उसमें वेरी वेरी केयरफुल है। जो नॉन एक्टिव बच्चे हैं उनको आप बोतल के साथ या और किसी माध्यम के साथ दूध पिलाइए, वो एक दो दिन में फिर वो रिकवरी कर जाएंगे, तो ये बहुत ज़रूरी है। मीटिंग के ऊपर ऑलरेडी वीडियो है, तो अभी मेरे फ्रेंड पापा आए हुए हैं, सुबह मीटिंग करवाई थी हमने, तो मैं आपको वो हमारा रॉटवाइलर आप जानते ही हो मेरे पास रॉटवाइलर में स्टार्ट है, बट आप इस समय प्लीज़ अपना ध्यान रखिए, स्टे घर में रहिए, बहुत बहुत ज़रूरी है, घर से बाहर मत निकलिए जितना हो सके, कहीं अपनी फैमिली को अपने आप को इन बीमारी से बचाइए। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, आप बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आपको फ्री डॉग चाहिए, तो हमने एक छोटा सा कॉन्टेस्ट स्टार्ट किया है कि कैसे आप एक फ्री डॉग ले सकते हो इन दो ब्रीडों में से, जर्मन शेफर्ड या पग, क्या आपको लेना है ये आप पर डिपेंड है, कैसा आपका घर है, क्या कितना समय आपके पास, आपको वॉच डॉग चाहिए, गार्ड डॉग चाहिए, या एक पग की तरह अच्छा फैमिली डॉग चाहिए। होला शोला चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने के लिए। अपने फेवरेट सोशल मीडिया नेटवर्क साइट्स पर भोला शोला चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और फॉलो करें। अपने दोस्तों पड़ोसियों पेट लवर्स के साथ हमारे वीडियोस और चैनल संबंधित जानकारी को साझा करें।